एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ, सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस आज का टॉपिक हमारा, सो हियर वी स्टार्ट। फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज द लाइफ फोर्स ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है कि फाइनेंस लाइफ फोर्स है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। फाइनेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है, और बाकी उसके जो वर्किंग कैपिटल्स हैं, फिक्स जो कैपिटल वर्किंग कैपिटल की नीड है या चाहे फिक्स कैपिटल की नीड है, उन सब के लिए हमको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रीज खोलें तो सबसे दिमाग में क्या आता है? पैसा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। विदाउट गेटिंग एक्यूरेट फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास एक्यूरेट उतना अमाउंट का इन पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, बताइए, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में आपने देखा होगा कि ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया कुड नॉट अचीव अ सिग्निफिकेंट पोजिशन एंड शेप। क्योंकि फाइनेंस की कमी होने के कारण इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होते हैं इंडिया में, वो एक सिग्निफिकेंट पोजिशन और शेप तक नहीं अपना अचीव कर पाया है। इंडस्ट्रीज रिक्वायर बोथ शॉर्ट टर्म, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इंडस्ट्रीज़ को तीनों टर्म, चाहे शॉर्ट टर्म का फाइनेंस हो, चाहे मीडियम टर्म फाइनेंस हो या फिर लॉन्ग टर्म का फाइनेंस चाहिए होता है फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर मीट करने के लिए देयर वर्किंग कैपिटल नीड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। नाउ वी कम टू डेफिनेशन। डिस्क्राइबिंग अ कंपनी और इकोनॉमी दैट एंगेज लार्जली और एक्सक्लूसिवली इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर मेक्स गुड्स। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि लार्जली एंगेज है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने पे, या कोई इंडस्ट्री जो कि सेल करती है कोई भी गुड्स को, डायरेक्टली करे या चाहे इनडायरेक्टली करे, तो वो काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री है, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। कोई भी इंडस्ट्री जो कि कोई भी गुड सेल कर सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है सेल कर सकती है, चाहे वो डायरेक्टली करें या फिर इनडायरेक्टली विद द रिटेलर से। तो शेयर डिपेंडेंस क्या होते हैं इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में नॉर्मली जो पोर्शन होता है ऑफ देयर कैपिटल का, वो सेलिंग शेयर जो होता है लो डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 10 ईच शेयर में भी प्रेफरेंस। शेयर डिपेंडेंस आपको पता ही होगा, सिंपली नॉर्मली कुछ नहीं होते हैं कि काइंड ऑफ शेयर निकालती है कंपनी, ठीक है। अपने प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक ऑर्डनरी शेयर्स भी कह सकते हैं उनको, प्रेफरेंस शेयर या फिर ऑर्डनरी शेयर्स जो कि कंपनी इशू करती है, ठीक है, और उससे वो पैसे कमाती है। पैसे मतलब कि मार्केट पर निकालती है, अपने शेयर्स देती है अपना कुछ परसेंट कि आप भी मेंबर हो जाइए इस टाइप का करके, और फिर उससे कुछ टाइम तक जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी को वो भी वो देती है शेयर्स के अंदर। और साथ ही साथ शेयर्स जितना ज़्यादा कंपनी ग्रो अप होती है और उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज होती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग नीड पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, ठीक है। क्या नीड है, फाइनेंस की ज़रूरत क्या है? अब बिज़नेस फर्म जो होती है, वेदर या तो ओन की है या फिर किसी इंडिविजुअल की है, प्रोपराइटर की है या पार्टनर्स में है या फिर शेयर होल्डर्स हैं, उसमें अंडरटेकन बिजनेस इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर गेन के लिए, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम इट। इस टाइप से कोई बिजनेस में कोई मतलब ऐसे पार्टिसिपेशन कर रखा है या पार्टनर बन रखा है, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। फॉर सेटिंग अप इन बिजनेस फर्म्स हैज़ टू मेक एडवांस एक्सपेंडिचर। आपको पता ही है कि अगर कोई आपको बिजनेस सेटअप करना है, फर्म कुछ ओपन वगैरह करना है, तो आपका एडवांस खर्चा चाहिए, ठीक है, बिफोर इट रिसीव्स एनी रिटर्न, बिना किसी रिटर्न के। द मशीन आर टू बी परचेज, मशीन खरीदनी होती है, फैक्ट्री स्पेस उन चाहिए होता है लीज में, चाहे ठीक है मतलब कि गोदाम वगैरह जो भी है, चाहे आप लीज में लें या परचेज करें, वो डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है सबसे पहले टू बी ब्रॉड, वेजेस चाहिए होते हैं, सैलरी सब कुछ भी पे आपको करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, ये सब कुछ रखने। इंडस्ट्रीज ओपन करना कोई ईजी बात नहीं है, हर चीज़ को हर चीज़ के पहलुओं पर देखना पड़ता है कि आप कितना मशीन परचेज करेंगे, क्या कौन सी मशीन चाहिए आपको, कितना स्पेस चाहिए आपको, ठीक है, आप परचेस करना चाहते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या आप पूरा परचेस कर सकते हैं पूरी की पूरी लैंड को, या फिर आप लीज पे कम पैसे हैं तो लीज पे लेते हैं लोग, ठीक है, 6-10 साल के लिए इस टाइप से लेते हैं। और फिर रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, ठीक है, आर टू बी ब्रॉड, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल तो होते हैं या डायरेक्ट मटेरियल थोड़ी होता है, ठीक है। फिर वेजेस आपको, क्योंकि आप इम्प्लॉय रखेंगे तो आपको वेजेस भी देना पड़ेगा उनको, सैलरी का भी ध्यान देखना पड़ेगा,
और फॉर देयर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे. फाइनेंस इज़ नीडेड टू अंडरटेक ऑल सच एक्टिविटीज़ इन बिजनेस. ठीक है, फाइनेंस जो है ये सब एंड सब के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस ही चाहिए, आपको पता ही है. ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ उनके लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मनी मनी जो होती है वो कमिट करती है कि जो भी उन्होंने बिजनेस ओपन किया है. आप सभी खुद ही सोचिए कि अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, कि जितना हमने लगाया है उतना ही आपको वापस मिले या उससे ज़्यादा रिटर्न मिले. प्रॉफिट ही तो चाहता है ना इंडस्ट्री का, और क्या चाहती है. तो मनी विच द इंडस्ट्री कमिट ऑन इट्स बिजनेस एक्सपेक्टेड टू कम बैक टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न मेड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद. द फर्म हैज़ टू वेट, फॉर्म को सबको वेट करना पड़ता है अपने प्रॉफिट के लिए. ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरर हैज़ टू प्रोड्यूस गुड्स टू बी और जिससे वो सेल कर पाए. ठीक है, मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स को, प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद वो उनको सेल करेगा. ही कैन डू ओनली व्हेन, ये सब कुछ कब कर सकता है वो, जब उसके पास एक्यूरेट फाइनेंस हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ हिज गुड्स के लिए. इट इज़ ट्रू दैट सम इंडस्ट्रीज गुड्स आर सोल्ड बिफोर दे मेड. कुछ इंडस्ट्रीज़ के गुड्स तो पहले ही सोल्ड आउट हो जाते हैं. जैसे नाम नहीं होता, ब्रांड होता है, आपने देखा ही होगा, कोई भी ब्रांड आ सकते हैं, लैक्मे है. ठीक है, बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके तो पहले ही, मतलब बनने से पहले ही बिक जाते हैं क्योंकि इनका नाम चलता है. हाँ, कुछ क्वालिटीज़ वाले भी होते होंगे. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज नई नई सेटअप हुई होती है ना, उनका कोई ब्रांड चल रहा होता है, नाम ही नहीं पता होता है पीपल लोगों को, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट होता नहीं है उस टाइम पे. सब चीज़ के लिए पैसा, देखिए एडवर्टीजमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, ये भी आपको पता है. ठीक है, तो वही बात है, कुछ का तो पहले ही जो गुड्स होते हैं सोल्ड जाते हैं बिफोर दे मेड. बट इवन इन सच इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर जो है नीड टू फाइनेंस. लेकिन फिर भी क्या है, फाइनेंस तो चाहिए ना उनको इक्विप करने के लिए. ये थोड़ी है कि ब्रांडेड आइटम पहले ही निकल गए, मतलब उनको पहले ही लोगों ने बुक्ड हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चीज़ बनाएंगे ही नहीं. लेकिन फिर भी तो उनको फाइनेंस चाहिए ना इक्विप करने के लिए. देमसेल्फ नेसेसरी फैसिलिटीज़ चाहिए ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनेंस इज थाजा, इसीलिए फाइनेंस क्या है, प्री कंडीशन, पहली कंडीशन है बिजनेस को सेटअप करने से पहले, फॉर बोथ फॉर इनिटिएशन एंड स्मूथ रनिंग. ठीक है, इनिटिएशन स्टार्टिंग वाला प्रोसेस जब आपको ओपन करना है, एंड स्मूथ रनिंग मिड वाला जो कंटिन्यूस प्रोसेस पे है. तो दोनों के लिए चाहिए. अब एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, साइक्लिक में. सो ये चीज़ बताता है कि कब कब हमको इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंस चाहिए होता है. जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब उस टाइम पे फाइनेंस चाहिए होता है, बिज़नेस को रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपको कुछ नया नया रिसर्च करना है कुछ. ठीक है, तो जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें आपको रिसर्च करना है. ठीक है, उसमें कितना अमाउंट का क्या चीज़ होना चाहिए, कोई भी किसी भी एरिया में उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करना है, तो आपको उस टाइम पे भी फाइनेंस चाहिए होता है. ड्यूरिंग ट्रबल टाइम, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री अगर एक बार स्टार्ट हो गई और स्टार्टिंग में अच्छी चल रही है तो वो हमेशा अच्छी चलेगी. हो सकता है बीच में वो ऐसे कोई सिचुएशन आए जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकना बंद हो जाए या बिकना कम हो जाए, तो उससे क्या, वो ट्रबल टाइम है, उस टाइम पे भी उसको फाइनेंस चाहिए होता है ताकि वो सही से प्रोडक्शन कर पाए और एडवर्टीजमेंट उसका कर पाए, या जो भी सोर्सेज होते हैं जिससे वो अपने जो प्रोडक्ट को जो वो बाय करना है, मतलब कि प्रोडक्ट जो सोल्ड करने का, ताकि अच्छे से लोग जो हैं बाय उसको कर पाएँ और अच्छे से वो सोल्ड कर पाए उस प्रोडक्ट को और उससे आगे उसको प्रॉफिट हो. एक्सपेंड करने के लिए बिज़नेस को, ठीक है, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए भी आपको पता है बिज़नेस आजकल ये नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया और उतना का उतना ही रखा, नहीं, उसको एक्सपेंड करना भी ज़रूरी है. जब तक आप बिज़नेस एक्सपेंड नहीं करोगे आपको प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, एंड लास्ट इज़ रिप्लेस मशीन इक्विपमेंट. अगर जो मशीन आपके, जैसे मान लीजिए एक साल हो गया, दो साल हो गया, अब उसको चेंज भी तो करेंगे या मशीन को, अब वही थोड़ी रखेंगे. अगर मान लीजिए उसका कोई कोई पार्ट है वो ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि अगर आप मशीन इक्विपमेंट सही से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा. ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए होता है. तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस. कुछ टाइप के इंडस्ट्रियल फाइनेंस हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म. ये कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था. शॉर्ट टर्म के अंदर कितना टाइम तक आएगा, लेस देन वन ईयर के अंदर जितना भी फाइनेंस होता है, इससे अगर हम इतना टाइम के लिए लेते हैं फाइनेंस तो उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, लेस देन अगर वन ईयर के लिए लेते हैं. मीडियम टर्म होता है मोर देन वन ईयर बट लेस देन फाइव ईयर. ठीक है, एक साल से ज़्यादा और मोर और लेस देन फाइव ईयर, पाँच साल से कम जो हम लेते हैं. लॉन्ग टर्म में मोर देन फाइव ईयर, पाँच साल से ऊपर को जितना भी हम, पाँच साल से ऊपर के जितना भी हम लेते हैं वो सब लॉन्ग टर्म में आता है. ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट में बता दिया मैंने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस. तो मीडियम देख लेते हैं हम इसके. सो ये है एट मेजर सोर्सेज या मीडियम जहाँ से इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडिया में प्रोवाइडेड होते हैं. ठीक है, इंडिया, अगर इंडिया कोई इंडियन है जिसको चाहिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस तो इंडिया में ये एट सोर्सेज हैं. सो पहला है इंटरनल सेल्फ फाइनेंस.
पहला तो सबसे पहला है कि भैया खुद को ही देख लो, खुद से जो जुगाड़ हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर सेल्फ फाइनेंस मतलब आपका ही कुछ, जैसे मान लीजिए किसी का घर है, जैसे कि ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसी से आप उसको किस तरह से यूज़ करके बेच के या फिर जो भी कह सकते हैं उससे आप छोटा मोटा अपना जुगाड़ कर सकते हैं, उससे फाइनेंस ले सकते हैं। तो पहला तो इंटरनल सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। अगर आप बिज़नेस स्टार्टअप करें तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर उनके पास जो भी जमा पूंजी होती है, कह सकते हैं कि उनके पास जो भी छोटा मोटा इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करेंगे, जितना भी उनके पास पैसा, जो भी उन्होंने पहले से सेव करके रखा है, तो वो लगाते हैं। तो पहला तो इंटरनल सेल्फ फाइनेंस आ जाता है, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस में। सेकेंड है इक्विटी डिबेंचर एंड बॉन्ड। इक्विटी डिबेंचर एंड बॉन्ड, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, पीपल जो होते हैं अपने मनी रखते हैं, ठीक है। जो डिबेंचर जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मनी, पीपल क्या करते हैं अपनी जो मनी होती है वो डिपॉजिट कर देते हैं विद दीज कंपनीज़, जैसे कि सिक्स मंथ के लिए, या फिर टू ईयर्स के लिए, थ्री ईयर्स के लिए, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है उनको कंपनी में जो होता है, जब वो निकालती है डिबेंचर शेयर्स निकालती है तो उस टाइम पर मेंशन करती है कि इतने साल के, लेकिन यह कि पब्लिक पर डिपेंड होता है कि वो कभी भी निकालना चाहती है तो वो निकाल सकती है, ठीक है। डिपॉजिटर, इसमें क्या होता है जो कंपनी होती है उनको फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, और लास्ट में जो भी उनका अमाउंट होता है वो और इंटरेस्ट रेट भी दोनों ही वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इक्विटी डिबेंचर बॉन्ड दे के इशू करके पीपल से वो पैसे ले सकते हैं और उन पैसों को उस टाइम पे अपने इंडस्ट्रीज़ में जो भी उनका छोटा मोटा कहीं पे अटक रखा है तो वो चीज़ को कवर आउट कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं सबसे पहले करती हैं इक्विटी डिबेंचर बॉन्ड से इशू करती हैं, ठीक है। और थर्ड है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, बैंक में होता ही है पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड। पब्लिक डिपॉजिट में वही होता है कि आप अपना शेयर्स हैं वो पब्लिक को दोगे और पब्लिक में शेयर डिपॉजिट होंगे, अंदर उनसे फिर आप पैसे लेंगे। एंड फोर्थ इज़ लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लेने का आपने देखा ही होगा, बैंक से हम नॉर्मली लोन लेते हैं तो वहाँ से भी एक सोर्स है फाइनेंस का। मैनेजिंग एजेंसी, ये पहले होती थी, अब इसका ट्रेंड इतना नहीं है, ठीक है। एक इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता था जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता था इनिशियल स्टेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो भी उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, फाइनेंस की ज़रूरत होती थी, वो देता था। लेकिन अब ये इतना ट्रेंड पे नहीं है, अभी बंद हो चुका है, ठीक है। तो मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं देखने को आपको मिलेगा। देन सिक्स मंथ इज इंडिजीनियस बैंक। इंडिजीनियस जो बैंक होते हैं ये एडवांस करते हैं फाइनेंशियल हेल्प कुछ फ्यू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, मोस्टली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को करते हैं लेकिन कुछ लार्ज स्केल को भी कर ही देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइम पे, या फिर बोथ फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए, ठीक है। मेनली दे प्रोवाइड फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी करते हैं। दे चेंज जो ये होते हैं इंडिजीनियस बैंक, ये जो रेट होता है इंटरेस्ट का रेट भी चार्ज कर सकते करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे दे देते हैं, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी, तो इंडस्ट्री इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। आप खुद ही सोचिए ना कि आपको बहुत ज़्यादा लोन चाहिए, मान लीजिए 1 करोड़ का, क्योंकि इंडस्ट्रीज को छोटा मोटा लोन तो चाहिए नहीं होता है, बड़ा ही चाहिए होता है। तो उसमें ही अगर आपको 1 करोड़ में आपको कम से कम 20% या फिर इस टाइप का 30% अगर इतना चार्ज करेंगे तो आप खुद ही सोचिए, आप तो इंटरेस्ट में ही डूब जाएंगे, आप अमाउंट कब प्रोवाइड करेंगे उनको। तो लेकिन ये हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट करती हैं, ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन इसका ट्रेंड भी है लेकिन कम है, ठीक है, इंडिजीनियस बैंक का, क्योंकि हैवी इंटरेस्ट रेट की वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फोकस नहीं करती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री स्टार्टिंग में तो ओपन होती हैं लेकिन उतना नहीं चलती है इंडिया में, ठीक है। तो यही रीज़न है, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। 7 है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एस्टेब्लिशमेंट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट टू फिल इन द गैप ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड प्रमोट करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। दिस इंस्टीट्यूशन कैटर द नीड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये गवर्नमेंट की हेल्प से इस्टेब्लिश हुई होती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंडस्ट्रियल में जो गैप आ रहा होता है उस गैप को फिलअप करती हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज़ होती हैं लेकिन लास्ट में वो बाइंड अप हो जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट बाद में फिर उनको हेल्प करती है जिस भी तरह से फाइनेंस करके उस इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से सेटअप किया जा सकता है।
उसमें वो हेल्प करती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ इंडस्ट्री, ये इस टाइप के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हेल्प करते हैं। फिर है 8 नंबर पे फॉरेन कैपिटल, एक्सटर्नल कैपिटल मीटिंग नीड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस मोस्टली फॉर लॉन्ग टर्म नीड फॉरेन एड्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब कि फॉरेन कैपिटल का मतलब है कि फॉरेन से जो आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल जो नीड है उसमें जब आप फॉरेन से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, फॉरेन से जब आप हेल्प लेते हैं तो वो फॉरेन कैपिटल के अंदर आता है। जैसे फॉरेन की कोई गवर्नमेंट है वो आपको हेल्प कर रही है, या फिर कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प कर रहा है, या फिर आपने देखा होगा आजकल यहाँ की कुछ कंपनीज जो बाहर की कंपनी है वो यहाँ पे सेटअप है, ठीक है, तो फ्रेंचाइजी में सेटअप नहीं होती है इस टाइप से, तो या फिर कोई उसका ब्रांच सेटअप है तो वो भी हेल्प करती है। अगर उसकी यहाँ की कोई कंपनी को फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ की कंपनी यहाँ की कंपनी को हेल्प करती है अपने ब्रांचेस को, या फिर फ्रेंचाइजी में या फिर पार्टनरशिप में, तो इस टाइप का फॉरेन हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है। सो ये कुछ 8 मेजर सोर्सेज थे इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडिया में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए आपके एग्ज़ाम में। ये मैंने इसमें से पॉइंट्स लिखे हैं तो आप इसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए। और भी वीडियोस हैं मेरे इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके, इकोनॉमिक्स टॉपिक प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ना, ठीक है। और भी वीडियोस में ऐसे ही बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे एट।